देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 71,365 नए मामले आए सामने। पॉजिटिविटी रेट 5% से कम। पटना हाईकोर्ट में अब फिजिकल सुनवाई, आगामी 21 फरवरी से होगा शुरू। कोरोना संकट टलने के बाद हुआ फैसला। महिला टी20 मुकाबले में भारत को मिली हार, न्यूजीलैंड ने 18 रन से दी मात। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। एटा में बीजेपी विधायक और प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह लोधी का ग्रामीणों ने पुतला फूंका। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में विकास कार्य नहीं हुआ है, जिससे लोग काफी आक्रोशित नजर आए। पूरी घटना मारहरा विधानसभा क्षेत्र के गांव कुठलिया लायकपुर की है। तो गांव में विकास कार्य नहीं होने की वजह से देखिए, ग्रामीणों ने विधायक का पुतला दहन किया है। बीजेपी विधायक और प्रत्याशी का ग्रामीणों ने पुतला फूंका है। आपको बता दें कि जो ग्रामीण हैं वो विकास कार्य नहीं होने की वजह से आक्रोशित नजर आ रहे हैं, और बीजेपी के विधायक हैं जिन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि लोगों को राहत पहुंचाए, यानी कि क्षेत्र में विकास करे। लेकिन स्थितियां ऐसी हुई कि विकास कार्य नहीं किए गए, और इसी के बाद जो ग्रामीण हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उन्होंने आक्रोशित होकर बीजेपी विधायक और प्रत्याशी का पुतला दहन किया। बता दें आपको कि बीजेपी विधायक और प्रत्याशी के खिलाफ जो स्थानीय लोगों हैं, उन्होंने अपना आक्रोश व्यक्त किया है। सभी ने स्थानीय विधायक का पुतला भी दहन किया है। हालांकि आपको बता दें कि ये प्रत्याशी भी हैं, और इनके ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि क्षेत्र का विकास करे। विकास कार्य नहीं होने की वजह से ग्रामीणों ने विधायक का पुतला दहन किया। और बता दें आपको कि लगातार जो स्थानीय लोग हैं, उन्होंने मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। उनका कहना है कि प्रशासन के द्वारा अभी और साथ ही साथ जिन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है, वो भी अपनी जिम्मेदारियों को ठीक तरीके से नहीं निभा रहे हैं, जिसके बाद से आक्रोश साफ तौर पर देखने को मिला। विकास कार्य नहीं होने की वजह से जो ग्रामीण है वो आक्रोशित नजर आए। उन्होंने विधायक के खिलाफ, और बता दें आपको कि ये प्रत्याशी भी हैं, और ऐसे में इनके खिलाफ पुतला दहन किया गया है। जो लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि विकास कार्य नहीं हो रहे हैं, ऐसे में ये सभी नाराज नजर आ रहे हैं। गांव में विकास कार्य नहीं होने की वजह से ग्रामीणों ने पुतला दहन किया। आगरा में मतदान से पहले प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट दिख रही है। दरअसल 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होना है, और इसे लेकर एसपी सिटी विकास कुमार ने पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला, और फ्लैग मार्च के दौरान क्षेत्र में मौजूदा पोलिंग बूथों का भी एसपी ने जायजा लिया। साथ ही मतदान के प्रति जनता को जागरूक भी किया गया। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार आगरा पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है, और सभी थाना क्षेत्रों में विभिन्न कंपनियां लगातार फ्लैग मार्च कर रही हैं, ताकि लोगों के बीच कॉन्फिडेंस को बढ़ाया जा सके और लोग भयमुक्त होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। आज ये जो फ्लैग मार्च देख रहे हैं, ये 3 कंपनियों का फ्लैग मार्च है।
देखिए, मतदान से पहले प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर अगर बात करें तो तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। जहां एक तरफ राजनीतिक पार्टी पूरी तैयारी में जुटी हुई है, तो वहीं प्रशासन भी मुस्तैद है। देखिए किस तरीके से जिले में फ्लैग मार्च निकाला गया, लोगों को जागरूक किया गया, साथ ही साथ मतदान करने के लिए भी लोगों को जागरूक किया गया और पोलिंग बूथ जो है जहां पर मतदान होंगे उसका भी निरीक्षण किया गया है। तो पुलिस ने ये फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को जागरूक किया है। मेरठ थाना मेडिकल क्षेत्र में बदमाशों ने दिन दहाड़े भाजपा सांसद की गैस एजेंसी के सेल्समैन से लूट की घटना को अंजाम दिया गया, जहां बाइक सवार बदमाशों ने सेल्समैन से लगभग 3.5 लाख रुपए की लूट की। दरअसल हथियार के बल पर बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की इस घटना को अंजाम दिया। वही जानकारी के अनुसार गैस एजेंसी बीजेपी के राज्यसभा सांसद कांता करदम की बताई जा रही है। खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राशिद खान हमारे साथ फोन लाइन पर मेरठ से जुड़ गए हैं। राशिद, क्या कुछ पूरा मामला है? बिल्कुल, आपको बताएं कि जिस तरीके से दावे किए जा रहे थे कि यूपी में रामराज है और अपराध मुक्त है, लेकिन वही भाजपा नेताओं के जब गैस एजेंसी को लूट लिया जाता है तो ये दावे हवा हवाई हो जाते हैं। ऐसा एक मामला हुआ है, कल 3 बजे की यह घटना है जी। कांता करदम की गैस एजेंसी है पीवीएस के पास, तो वहां पर कैश लेकर निकल रहा था एक एम्प्लॉय उनका, तो तकरीबन 3.5 लाख रुपए उनके पास बताए जा रहे हैं जो स्कूटी पर लेकर जा रहे थे। रास्ते में दो बदमाशों ने उन्हें तमंचा दिखाकर और वो पैसे लूट के फरार हो गए हैं आसानी से, और अभी तक भी उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। तो जिस तरीके से भाजपा के नेताओं के यहाँ लूट हो रही है तो आप सोच सकते हैं कि क्या हाल होगा। बिल्कुल राशिद, बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, गैस एजेंसी के सेल्समैन के साथ आपको बता दें कि दिन दहाड़े इस लूट की घटना को अंजाम दिया गया है, और जहां एक तरफ सरकार लाख दावे कर रही है कि वहां पर क्राइम को कंट्रोल किया गया है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन की पोल खोलती हुई ये तस्वीर साफ तौर पर। चलिए, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आपको बता देते हैं। हाई कोर्ट ने जजों पर कार्रवाई की है। बिहार में 7 जिलों के जजों पर पटना हाई कोर्ट ने की कार्रवाई, तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां हाई कोर्ट ने न्यायिक और प्रशासनिक शक्तियों को लेकर के ये कार्रवाई की है। आपको बता दें कि खगड़िया, मधुबनी, कटिहार और बांका के जजों पर ये कार्रवाई की गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, जहां पटना, रोहतास और मुजफ्फरपुर के जजों पर भी कार्रवाई की गई है। तो ये कुल 7 जज हैं जिनके ऊपर कार्रवाई की गई है। हाई कोर्ट के महानिबंधक अरुण कुमार, आपको बता दें, उन पर उन्होंने ये कार्रवाई की है, और बिहार में 7 जिलों के जजों पर पटना हाई कोर्ट ने ये कार्रवाई की है। बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, जहां हाई कोर्ट ने न्यायिक और प्रशासनिक शक्तियों को लेकर के ये कार्रवाई की है। खगड़िया, मधुबनी, कटिहार और बांका के जजों पर कार्रवाई। लखीसराय जिले के चानन थाना क्षेत्र में एक वृद्ध व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दरअसल मृतक अपने बेटे के साथ बाजार जा रहा था और इसी दरमियान ये हादसा हुआ है। आपको बता दें कि पहले से घात लगाए अपराधियों ने गोली चलाई और गोली लगने के बाद व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही बेखौफ अपराधियों ने इस घटना को दिन दहाड़े अंजाम दिया। इस संबंध में SDPO रंजन कुमार ने बताया है कि मामला जमीनी विवाद को लेकर बताया जा रहा है और पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। एक रिटायर्ड विद्युत कर्मी है, श्याम सुंदर विश्वकर्मा भंडार गांव के रहने वाले हैं, चानन थाना क्षेत्र अंतर्गत। वो अपने बेटे के साथ स्टेशन की तरफ आ रहे थे, इसी क्रम में एक पड़ोस में विवाद चला, ललन मंडल,
वो और दो और क्या, जैसा उनके बेटे द्वारा अभी तक बताया गया गोली मार दी गई है जिसमें उनकी मृत्यु हो गई है, 100 का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और बाकी जो आवेदन देगा उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? ये आपसी रंजिश है उनका, पड़ोस में ही जो ललन मंडल है उनसे भी विवाद चल रहा था। सुपौल के वीरपुर में अपहरण मामले को लेकर आक्रोशित लोगों ने सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया और प्रदर्शन कर बाजार को बंद करवाया गया। बता दें कि 19 वर्षीय युवती की शादी के नियत से अपहरण कर लिया गया था, जिसको लेकर पीड़ित परिवार के द्वारा थाने में लिखित शिकायत की गई और पुलिस ने 24 घंटे का आश्वासन दिया, जिसके बाद 48 घंटे पूरे होते ही आक्रोशित लोगों ने प्रदर्शन किया। वहीं आक्रोशित लोगों का कहना है कि जब युवती की सुकुशल बरामदगी नहीं हो जाती है तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। अपहरण किया गया और जिसकी बरामदगी आज 24 घंटा बीतने के बाद भी नहीं हुआ, इसलिए हम लोगों का यह कहना है कि प्रशासन 24 घंटे के अंदर लड़की को बरामद करके दे, अन्यथा हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले जाएंगे, ये हड़ताल अनिश्चितकालीन में बदल जाएगा। वैशाली जिले के नगर थाना क्षेत्र में बाइक चोरी करते रंगे हाथ पकड़े गए बाइक चोर को लोगों ने सरेआम पीट दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि भीड़ भाड़ का फायदा उठाकर मास्टर चाबी से गाड़ी लेकर भागने की फिराक में चोर थे। इस दौरान वाहन मालिक ने चोर को पकड़ लिया और फिर उसकी जमकर पिटाई कर दी, साथ ही साथ पुलिस के हवाले भी कर दिया। पटना पुलिस लाइन क्लीनअप के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां 21 सिपाहियों की बर्खास्तगी की गई। बता दें आपको कि इन सभी सिपाहियों पर आरोप लगे थे और इसकी जांच जनवरी से ही चल रही थी। वहीं जांच के बाद प्रोसीडिंग चलाकर 21 सिपाहियों को बर्खास्त कर दिया गया है। बता दें कि इसमें से 5 सिपाही शराब पीने और शराब कारोबार में शामिल थे, तो वहीं 3 सिपाही भ्रष्टाचार के आरोप में शामिल हैं। बता दें कि 11 को 5 साल से ड्यूटी से गायब रहने पर बर्खास्त किया गया है और 2 को विभिन्न कांडों के आरोपी होने के कारण बर्खास्त किया गया। सुपौल के भीमनगर पंचायत के वार्ड नंबर 10 के समीप भीमनगर एसएसबी बीओपी के जवानों ने गुप्त सूचना के आधार पर 110 किलो गांजा के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार किया, जहां पकड़े गए कारोबारी की पहचान पवन कुमार यादव के रूप में की गई है। July 2022 को रात्रि को सूचना प्राप्त हुई थी कि मादक पदार्थ का तस्करी संजाधार होकर हो सकता है। इसके बाद बीओपी सलेसपुर और बीओपी भीमनगर का संयुक्त टीम का गठन किया गया। संयुक्त टीम ने संजाधार के पास नाका लगाया और लगभग 3:50 पर सुबह के समय पर एक व्यक्ति जिसका नाम पवन कुमार है सामान के साथ पकड़ाया। पटना सिटी के बाईपास थाने में पुलिस ने गश्ती के दौरान 20 लाख का अवैध पान मसाला बरामद किया, जहां लोड करने की नियत से सड़क किनारे 20 लाख रुपए का अवैध पान मसाला भरा 42 कार्टन रखा गया था। वहीं पुलिस ने बताया है कि अवैध रूप से पान मसाला के कार्टून को कहीं दूसरे स्थान पर भेजने की तैयारी चल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। वहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि टैक्स GST बचाने के लिए ये दूसरे राज्यों से लाया गया था। तो सर ने कल दीवा गश्ती के क्रम में पदाधिकारियों ने देखा, जो गश्ती पदाधिकारी थे उन्होंने देखा एक एक साइड में जो है काफ़ी कम मात्रा में कार्टून रखा गया है। इसको इन्हें उत्सुकता हुई आखिर में वो कार्टून में क्या रखा है। ये गए वहाँ पे तो देखे वो पूरा रजनीगंधा और तुसली का पैकेट है और काफ़ी देर खोज भी किया गया कि कोई व्यक्ति क्लेमेंट आवे, लेकिन कोई क्लेमेंट नहीं आए। आरोप में जो है हम लोग उसको उठा करके है ना थाना ले आए और इसकी सूचना जो है बड़े पुलिस अधिकारी और SDO साहब को दिए। मुकामा में
में एक किराना व्यवसायी से बड़ी लूट हुई, जहां व्यवसायी राधेश्याम किराना स्टोर में खरीदार बन चार युवक आए और सामान की मांग की, जिसके बाद लुटेरों ने हथियार निकालकर व्यवसायी समेत चार अन्य मजदूरों को कब्जे में कर लिया और दुकान से तकरीबन 2 लाख नगद रुपए लूट कर ले गए। वही लूट की इस घटना से व्यवसायियों में खौफ कायम हो गया है, साथ ही मौके पर पहुंची पुलिस ने CCTV के सहारे लुटेरों को दबोचने की कोशिश शुरू कर दी है। देखे उत्तर साइड में एक आदमी जो है केवाड़ी उधर भिड़काया तो मेरा जो है दिमाग खनक गया। उसके बाद इधर दरवाज़ा मेन दरवाज़ा दूसरा आदमी जो है भिड़काना शुरू किया। उसके बाद क्या किए कि हम लोग को जो है बस चारों एक के बार पिस्टल जो है हमको भी और मेरा स्टाफ लोग भी जो था उस सबको भी जो है दिखला दिया और सबको भीतर दुकान के अंदर एक रूम में बंद करके बाहर से लगा दिया। और जो मेरा जो है रकम था दुकानदारी था दिन भर का वो जो है सब घीच घाच के नोच के उठा के समेट के ले गया। और चलिए इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बड़ी खबर MLC चुनाव को लेकर सामने आ रही है। MLC चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, राबड़ी आवास में थोड़ी देर में शुरू होगी RJD की बैठक। तो देखिए RJD MLC चुनाव को लेकर पूरे जोश में नजर आ रही है। बैठक की अध्यक्षता करेंगे राजद सुप्रीमो लालू यादव। लालू प्रसाद यादव कल पटना पहुंचे और ऐसे में सीटों को लेकर हो सकता है ऐलान। MLC सीटों को लेकर ऐलान हो सकता है। बड़ी खबर, कई बड़े नेता बैठक में होंगे शामिल। तो इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि कांग्रेस के कई बड़े नेता लालू से कर सकते हैं मुलाकात। सूत्र ये बता रहे हैं कि कई बड़े नेता लालू यादव से मुलाकात करेंगे। तो बिहार में MLC चुनाव को लेकर लगातार सरगर्मी तेज हो गई है। आज राबड़ी आवास पर RJD की बैठक है और इस बैठक में नामों की घोषणा होने की संभावना जताई जा रही है। बैठक की अध्यक्षता खुद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव करेंगे। सीटों को लेकर हो सकता है ऐलान, तो सीटों को लेकर ऐलान भी किया जाएगा। कई बड़े नेता आज लालू प्रसाद यादव से मुलाकात कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें कि आज मुलाकात होगी, लिस्ट जारी होने से पहले ये मुलाकात हो सकती है। साथ ही साथ कांग्रेस के कई बड़े नेता लालू प्रसाद यादव से मुलाकात कर सकते हैं। देखिए कांग्रेस और RJD के बीच लगातार सीटों को लेकर खींचतानी जारी है। जहां एक तरफ राजद ने ऐलान किया है कि सभी 24 सीटों पर वो चुनाव लड़ेगी, तो वही कांग्रेस कह रही है कि अगर उन्हें सीट नहीं मिला तो वो भी 24 सीटों पर महागठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ेगी। ऐसे में स्थिति अब देखना जरूरी होगा कि आज जो ये बैठक होती है इसमें क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की MLC चुनाव को लेकर बिहार में सरगर्मी तेज हो गई है। बिहार में 24 सीटों पर MLC चुनाव होने हैं। राबड़ी आवास में थोड़ी ही देर में RJD की बैठक शुरू होगी। इस बैठक की अध्यक्षता खुद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव करेंगे। साथ ही साथ सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो सकता है। बात करें तो कई दिनों से कांग्रेस और राजद दोनों के बीच खिटपिट चल रही है सीटों के बंटवारे को लेकर। हालांकि आज बैठक के बाद नामों के ऐलान हो सकते हैं। खबर पर अधिक बातचीत के लिए हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, आज RJD की बैठक है और प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हो सकती है, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, पूजन कार्य समिति की बैठक है जिसमें हिस्सा लेने के तो आज एक अहम बैठक हो सकती है राबड़ी आवास के अंदर, जहां पार्टी के कई बड़े नेता जो है वो मौजूद रहेंगे, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के साथ पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रजत भी मौजूद रहेंगे। जिस तरीके से बिहार में 24 सीटों पर स्थानीय निकाय के चुनाव होने, यहां पर भी दो बातें निकल के सामने आ रही है। एक तरफ चुनाव लड़ेंगे तो दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव द्वारा कहा गया था कि महागठबंधन एक साथ चुनाव लड़ेगी, इसको लेकर भी बातें हो सकती है कि रणनीति बनेगी या फिर एक एक से दो सीट की जब बात उसको दी है उस पर भी बैठक में ये चर्चा होगी।
पूजा। उत्कर्ष, एक छोटा सा सवाल आपसे लेना चाहेंगे कि आज जो ये बैठक हो गई, सूत्र ये बता रहे हैं कि कांग्रेस आज मुलाकात कर सकती है, मुलाकात क्या सीटों को लेकर होने वाली है और क्या कोई नाम है जो सामने आ रहे हैं मुलाकात को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बातें आ रही थी दिल्ली में, जब कांग्रेस के कई दिग्गज नेता थे वो लालू प्रसाद यादव से मिलने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि मुलाकात नहीं हो पाई थी, लेकिन अब ये बातें सामने आ रही है कि जब तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव दोनों बिहार में हैं तो बिहार प्रदेश के कई नेता लालू प्रसाद यादव से मुलाकात कर सकते हैं और एक आखिरी बार मुलाकात स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस ने दावा किया था कि 6 से 7 सीट उन्हें चाहिए, अब उसको लेकर जो पेच बसा था कहीं ना कहीं वो भी साफ हो सकता है। बिल्कुल उत्कर्ष, बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त की, आज रावरी आवास में आरजेडी की एक अहम बैठक होगी, बैठक के बाद एमएलसी चुनाव को लेकर सीटों पर ऐलान हो सकते हैं, यानी कि प्रत्याशियों के नाम की ऐलान होंगी। और आज इस बैठक में आपको बता दें कि कई बड़े नेता शामिल होंगे। देखिए आज आरजेडी की एक अहम बैठक होने वाली है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पटना पहुंचे कल, आज इस बैठक की वो अध्यक्षता करने वाले हैं और एमएलसी चुनाव को लेकर जिस तरीके से राजद और कांग्रेस के बीच हम देख रहे हैं आनाकानी चल रही है, राजद ने भी ऐलान किया कि 24 सीटों पर वो चुनाव लड़ेगी, इधर कांग्रेस भी कह रही है कि अगर हमारे साथ हमें सीट नहीं मिलती है तो हम भी अकेले चुनाव लड़ेंगे। अब देखना यह होगा कि आज जो ये बैठक हो रही है, इस बैठक के बाद राजद सुप्रीमो क्या फैसला लेते हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। पटना हाई कोर्ट में कोरोना संकट के कारण अब तक लॉकडाउन ऑनलाइन सुनवाई हो रही थी, लेकिन अब फिजिकल कोर्ट जल्द शुरू हो सकती है। सब कुछ ठीक रहा तो आने वाली 21 फरवरी से फिजिकल कोर्ट काम करने लगेगा। सोमवार से गुरुवार तक यानी 4 दिन तक फिजिकल कोर्ट काम करेगा और एक दिन शुक्रवार को वर्चुअल मोड में मामलों की सुनवाई की जाएगी। पटना हाई कोर्ट फिजिकल मोड में काम करेगा, लेकिन इस दौरान सावधानियां बरतनी होगी। वकीलों के साथ साथ आने वाले दूसरे लोगों को भी मास्क का इस्तेमाल करना होगा, साथ ही साथ जिन मामलों की सुनवाई होगी उनसे जुड़े लोग ही कोर्ट में मौजूद रहेंगे। पटना हाई कोर्ट को पिछले दिनों कोरोना की तीसरी लहर आने के बाद वर्चुअल मोड में कर दिया गया था। भारत और न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट टीम के बीच खेले गए एकमात्र T20 मुकाबले की सीरीज में भारतीय खिलाड़ियों को निराशा हाथ लगी है। इस मुकाबले में भारत को 18 रन से हार झेलनी पड़ी है। प्लेयर ऑफ द मैच लिया ताहू रही, उन्होंने पहले 14 गेंदों पर 27 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली और बाद में एक विकेट भी चटकाया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डीटीवी भारत। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।